हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन तीन चीज़ों से दूरी बना लिए हैं तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का या लड़की होती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से पसंद नहीं आते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो हम बात करने वाले उन तीन चीज़ों के बारे में, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान इन तीन चीजों से आपने दूरी बना लिया है तो दोस्तों इसका मतलब आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वो लक्षणों के बारे में। सबसे पहला जो लक्षण है वो है प्रेगनेंसी के दौरान खान पान में बदलाव। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन करता है और वहीं पर आपको पहले आप स्वीट इतना नहीं खाते थे लेकिन अभी आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन करता है, इसका मतलब आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। लेकिन पहले अगर आपको तीखा खाना पसंद आता था लेकिन अभी तीखा नहीं खाते हैं, मीठा खाते हैं, इसका मतलब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। दूसरा जो लक्षण है वो है आप एक्टिव रहना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे कि थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा मतलब काम मत करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आपको घर का काम करना अच्छा लगता है, आप अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं, आप सब एकदम एक्टिव रहते हैं, सब काम करते हैं, इसका मतलब दोस्तों आपकी जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो लड़का होता है। और वहीं पर हम तीसरे लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं, वो है प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग। मूड स्विंग प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप एकदम काम रहते हैं, आपको मूड स्विंग का जो प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलता है, आप एकदम खुशहाल प्रेगनेंसी आपका जा रहा है, बिल्कुल भी चिड़चिड़े नहीं रहते हैं, आप एकदम काम और चिल रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। अभी बात कर लेते हैं हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जब बेबी बॉय को कंसीव किया तो क्या मेरे साथ ये सब हुआ था? तो दोस्तों हाँ, मेरे साथ भी ये सब हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैं बहुत एक्टिव थी, मैं 7th और 8th मंथ तक जॉब की थी जब भी प्रेगनेंट थी मैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मुझे मीठा खाना बहुत ज़्यादा मन करता था और मेरा जो प्रेगनेंसी था एकदम स्मूथ था, मुझे मूड स्विंग का जो प्रॉब्लम है देखने को नहीं मिला था, क्योंकि मैं खुद 8th और 8th मंथ तक जॉब की थी, एकदम मैं एक्टिव थी और मैं एकदम काम और चिल थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सच साबित होता है, तो इससे आप जान सकते हैं बेबी का जेंडर घर बैठे ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।